हेलो दोस्तों, नमस्कार और सभी को स्वागत करते हुए एक नया वीडियो में। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो फेसबुक को यूज़ करते होंगे, लेकिन फेसबुक में बहुत ही सारा नया नया फीचर्स लेके आया है, जो जानने के बाद फेसबुक चलाना और भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ये सारे ट्रिक्स अगर जान लेंगे तो मैं 100% उम्मीद करता हूँ आप फेसबुक का किंग बन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर और देख लेते हैं जो फेसबुक में क्या क्या नया अपडेट आया है, जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो मैं चला जाता हूँ फेसबुक में, और जैसे ही मैं फेसबुक में ओपन कर लूँ, अगर आपको अपडेट नहीं मिला तो ज़रूर आपको अपडेट कर लेना चाहिए, तभी जाके सारे फीचर्स आपको मिल जाएगा। तो पहले मैं चला जाऊँगा, जो देख सकते हैं मेरा थ्री डॉट में जाएंगे और प्रोफाइल सेक्शन में पहले जाएंगे। और प्रोफाइल में जाने के बाद आप लोगों को एक चेंजेस दिखा दूँ, जो देख सकते हैं, जो वो मेरा नाम का नीचे एक सॉन्ग को मैं ऐड करा दिया। तो इस किस प्रकार से मैं ऐड किया, ये भी आप भी कर सकते हैं। आपका मनपसंद कोई भी सॉन्ग आप ऐड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और इस जगह में जैसे फ्रेंड्स, फोटोज, लाइव इवेंट्स, डिड यू नो एंड म्यूजिक, म्यूजिक में क्लिक करना है। और जैसे म्यूजिक में क्लिक कर देंगे तो ऊपर के निशान में प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, और प्लस का आइकन में जैसे क्लिक करेंगे कोई भी सर्च आपको सॉन्ग सर्च कर लेना है। करने के बाद इस जगह में देख सकते हैं एडिट लिखा है, तो ऐड कर देना है। जैसे एडिट कर देंगे तो इस जगह बैग आ जाना है, और बैग आने के बाद देख सकते हैं इस जगह ऐड हो गया। ऐड होने के बाद जो मैं अभी तुझे कितना चाहता हूँ चाहने लगा इसको सेट करना है, तो क्या करना है आपको थ्री डॉट में क्लिक करना है। और थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो पिन टू प्रोफाइल ऐड टू स्टोरी, इस जगह से आप दो चीज़ कर सकते हैं। अगर आप अपना प्रोफाइल में लगाना चाहते हैं तो लग जाएगा, नहीं तो आप स्टोरी पे भी लगा के कोई वीडियो शूट कर सकते हैं गाना को लगा के। चलिए मैं इसको पिन कर देता हूँ, और जैसे मैं पिन कर दूंगा, पिन करने के बाद देख सकते हैं मैं पिन कर दिया, उसको बैग में जाता हूँ। और बैग में जाने के बाद मैं प्रोफाइल में चेक कर लेता हूँ, देख सकते हैं जैसे मैं प्रोफाइल में आ गया वो सॉन्ग इस जगह में आ गया। तो इस जगह आप रिव्यू भी कर सकते हैं थ्री डॉट में जाके, जो रिप्लेस सॉन्ग, ऐड टू स्टोरी, अनपिन फ्रॉम प्रोफाइल, ये भी करा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा फीचर्स मेरे को लगा है। शायद आप लोग ही अपना मनपसंद कोई सॉन्ग लगा सकते हैं, लेकिन अपना कोई खुद का वीडियो अभी या खुद का सॉन्ग नहीं लगा सकते, वो फीचर्स अभी नहीं दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा फीचर्स क्या है। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद आप लोग देख पाएंगे जो इस जगह में पोस्ट का ऊपर एक ऑप्शन दिया गया, एक सेटिंग का और एक सर्च का ऑप्शन दिया गया। जैसे ये दो डॉट में मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये पोस्ट फिल्टर बोल के ऑप्शन दिया गया है, और जिस देख सकते हैं जो गो टू टूडे एनी वन, ये सारी चीज़ आप सब देख पा रहे हैं, जो टैगेस फोटो। तो इस जगह में क्या चीज़ है, इस जगह मान लो आप कब का फोटो के पोस्ट किया है वो सारी चीज़ देख सकते हैं। जैसे कि मान लो टूडे मतलब 17 तारीख में का पोस्ट किया तो दिखाई देगा। जैसे मान लो मैं 15 तारीख को सिलेक्ट कर लिया हूँ, रोके कर दिया हूँ और डन कर देता हूँ। और जैसे ही मैं डन कर दूंगा तो 15 तारीख का जो देखो पोस्ट है वो देखो आ जाएगा इस जगह में। शायद मेरा 15 तारीख का कोई पोस्ट नहीं था, तो इसलिए ये सारी चीज़ आ गया, 14 तारीख का पोस्ट आ गया। ये बहुत ही कमाल का फीचर्स हैं, आप बहुत ही आसानी से आपको कोई पोस्ट को ढूंढ सकते हैं। ये बहुत ही मेरे को अच्छा लगा ये पोस्ट। और चलिए दूसरा चीज़ और भी देख लेते हैं। जैसे ही मैं इस जगह में जो एड स्टोरी का साइड में जो थ्री डॉट है इसमें क्लिक करता हूँ, वो क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया। ये सारी चीज़ ऑप्शन पहले आपको सेटिंग में जाके वो एक्सेस करना पड़ता था, लेकिन अभी इसी जगह से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या क्या दिया है, जो टाइम लाइन रिव्यू दिया है, और व्यू प्राइवेसी शॉर्टकट दिया है, सर्च प्रोफाइल, ये बहुत ही बड़ी एक ऑप्शन दिया है, और जिस जगह से किसी का पोस्ट आप इस जगह आसानी से ढूंढ सकते हैं। जी दोस्तों, सही सुन रहा है, जैसे कि सर्च में मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं सर्च इन सुब्रत गुचाई फोटो इन, किसी का नाम देके आपका फ्रेंड का फोटो सर्च कर सकता है। और मैं सर्च करके नहीं देखाऊंगा, तो जरूर आपको ट्राई करना है, बहुत ही कमाल का फीचर वो दिया है। चलिए ये तो बहुत बड़ी फीचर्स दिया गया है, और साथ ही साथ अपना इस जगह बहुत कुछ दिया है चीज़, जो आपको अच्छा तरीके से पता होगा, जो मैनेज पोस्ट कर सकता है इस जगह से। इसका देख सकते हैं इंटरफेस कितना अच्छा से चेंज कर दिया गया, ये सारी चीज़ इस जगह में चेंजेस हुआ है। तो चलिए और भी बहुत सारा चेंजेस हुआ है, जैसे मैं पहले चला जाऊँगा जो ग्रुप में, तो ग्रुप में कोई भी अच्छा खासा चेंजेस हुआ है तो पहले मैं आपको वो दिखा दूँगा। जैसे मैं थ्री डॉट में क्लिक करता हूँ और कोई भी मेरा ग्रुप में चला जाता हूँ, जैसे कि मान लो मेरा ग्रुप में आ गया हूँ, वो इस ग्रुप में आने के बाद आप लोग देख पाएंगे तो कुछ चीज़ें चेंज हुआ है। जो न्यू एक्टिविटी है साइड में शॉर्ट बोल के लिखा हुआ है, जैसे मैं शॉर्ट में क्लिक करूँगा तो शॉर्ट में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं तीन ऑप्शन दिया गया, और न्यू एक्टिविटी, रिसेंट पोस्ट एंड टॉप पोस्ट। ये पहले से नहीं था, अपडेट करने के बाद नया चीज़ मिला है, ज़रूर इसको इस्तेमाल करना। तो ज़रूर आपका कोई भी ग्रुप में जाके अच्छा खासा पोस्ट को आपका अभी अभी कोई रिसेंट पोस्ट किया है, टॉप पोस्ट कौन सा चल रहा है, सारी चीज़ आपको एक्टिविटी देख सकते हैं। और एडमिन का लेके इस जगह में ग्रुप में कुछ चेंजेस हुआ है, और जैसे कि पहले इस जगह में बहुत सारा कुछ मिलता था,
और देख सकते हो इंस्टाग्राम ओनली पर अभी 3 दिया गया, और भी पहले पहले क्या मिलता था, जो फेसबुक आपको खुद रिकमेंड करते थे इसको मॉडरेट बना दो, शायद उसको हटा दिया है वो। और साथ ही साथ इसमें पोस्ट टॉपिक बोल के एक ऑप्शन दिया गया है, बहुत ही कमाल का चीज़ दिया है। तो चलिए ये तो हो गया, बहुत ही आसान का चीज़। जैसे कि मैं नोटिफिकेशन में अगर क्लिक करता हूँ, नोटिफिकेशन क्लिक करने के बाद कोई भी अगर आपको तुरंत पोस्ट करता है तो पोस्ट में क्लिक करने के बाद उस जगह दिखाई देगा जो कहाँ से आप पोस्ट को देखा, और नोटिफिकेशन देखा या कहाँ से देखा, वो सारी चीज़ आपको दिखाई देगा। और शायद अभी कोई इस जगह में पोस्ट नहीं किया, इस जगह से नहीं देखा सकता हूँ, नहीं तो आपको देखा देता, ज़रूर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा साइड में। तो चलिए मैं चला जाता हूँ जो होम पेज में, और होम पेज में आने के बाद जैसे कि मान लो कोई भी मैं स्टोरी को पोस्ट करता हूँ या कोई पोस्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे पोस्ट में क्लिक करूँगा तो इस टाइम क्या होगा, 3D ऑप्शन का दिया गया। और देख सकते हो जो 3D फोटो, आप कोई भी फोटो को 3D में कन्वर्ट करा सकते हैं, ये बहुत ही कमाल का फीचर दिया। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करना है कोई भी फोटो में ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो ये फोटो ले लिया हूँ, और लेने के बाद ये 3D में आपको लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद ये क्रिएट हो जाएगा। और देख सकते हो ये 3D में वो लोडिंग हो गया, ये फोन को हिलाएगा तो ये 3D में अच्छा खासा वो देखने को मिलेगा आपको। ये बहुत ही कमाल का फीचर मेरे को लगा, आप लोग जरूर इसको इस्तेमाल करना। और साथ ही साथ और भी इस जगह एक फीचर दिया गया जो सपोर्ट चैरिटी, इस जगह ये भी फीचर वो दिया गया है, ये बहुत ही कमाल का फीचर मेरे को लगा है। साथ ही साथ इस जगह में जो आपको होम पेज में ये बहुत ही चेंजेस लेके आया, जो जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए क्या क्या चेंजेस लेके आया वो दिखाएंगे। जैसे कि आप लोग तो जानते होंगे जो YouTube जैसे कुछ चीज़ को आपको सजेस्ट कराते हैं, तो सेम अभी Facebook पे भी चालू कर दिया, आपको कोई भी चीज़ आपको Facebook भी सजेस्ट कराएंगे। और शायद अभी वो देख सकते हैं ये जो एक पोस्ट है विश्वजीत पाल बोल के फनी पोस्ट में एक पोस्ट किया है, लेकिन उसके ऊपर में देखिए विश्वजीत पाल कमेंट, ये नया चेंजेस लेके आया। कोई भी पोस्ट का ऊपर अगर तुरंत पोस्ट कमेंट करता है तो वो ऊपर में आ जाएगा, ये बहुत ही कमाल का फीचर्स मेरे को लगा है। जैसे 3 डॉट में क्लिक करेंगे तो सर्विस तो आ ही जाता था पहले से, ये कमाल का फीचर्स लगा है। और मैं अभी भी बोला हूँ जो आपको फेसबुक जैसे वो खुद आपको रिकमेंड कराते हैं, उसी प्रकार आपको फेसबुक भी अभी रिकमेंड कराएगा, वो मोबाइल स्क्रीन में आप लोगों को देख पा रहा है जो रिकमेंड कैसे कराता है। और देख सकते हैं ये भी देखे देव्रत को कहते हैं एट अदर्स कमेंट, इस कमेंट किया है, ठीक है। यही नया नया फीचर्स इस जगह ऐड हुआ था, जरूर इसका आपको इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है, मेरा उम्मीद से लगते हैं बहुत ही आपको हेल्प होने वाला है। तो चलिए इतना तक ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर देना, साथ ही साथ कमेंट कर देना, दूसरों को शेयर कर देना, और मेरा चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलिए मिलता है अगला वीडियो के ऊपर, तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।